हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। देखिए फ्रेंड्स, मुझे मेल आया है फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए सेकंड शिफ्ट का पेपर मुझे मिल चुका है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देर न करते हुए चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मॉलेट टर्म। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक एक क्वेश्चन करके बताने वाला हूँ। तो मॉलेट टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये देखिए फ्रेंड्स पोलो का एक टर्म है जो कि संबंध रखता है स्पोर्ट्स से, पोलो से, ठीक है, स्पोर्ट्स में पोलो, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक इन वर्ल्ड कप। देखिए कल एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका जो है ना अंग्रेज जो थे ब्रिटिश थे जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने हैट्रिक लिया था, और ये फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट बॉलर कह सकते हो टू टेक हैट्रिक इन वर्ल्ड कप, तो चेतन शर्मा। मैंने कल बताया था कि आज के दिन के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जी का देखिए यहाँ पर पूछ भी लिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बॉडीज इन यूएनओ, अर्थात यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कितने बॉडीज हैं, तो 6 बॉडीज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैपिटल ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस का कैपिटल क्या है, तो ब्रिज डाउन हो जाएगा इसका कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर्टिकल 340 इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज, तो बेसिकली ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेट करता है, आर्टिकल 340 जो रिलेट करता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि हु इंट्रोड्यूस प्रीएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बेसिकली इसका इनका नाम होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पावर प्ले इन T20 मैच, अभी देखिए नंबर ऑफ पावर प्ले कितने होंगे T20 मैचेस में, 6 होंगे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि वनडे में कितने पावर प्लेज होते हैं, तो 3 पावर प्ले होते हैं, फर्स्ट पावर प्ले, सेकंड पावर प्ले, थर्ड पावर प्ले। अभी T20 में 6 पावर प्ले घोषित हुए हैं। ईरानी कप, देखिए फ्रेंड्स कपों से रिलेटेड हर दिन के एग्जाम में, देख कल के एग्जाम में पूछा गया है, आज के एग्जाम में पूछा गया है, कल डुरंट कप पूछा गया था, आज ईरानी कप पूछ लिया गया है। इज रिलेटेड टू किससे रिलेट करता है, ये क्रिकेट से रिलेट करता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस रॉय हु बिकम अ विक्टिम व्हेन ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसका कौन से ऐसे वायस राय थे जो विक्टिम घोषित किए गए थे जब वो अंडमान और निकोबार आइलैंड में गए थे, तो लॉर्ड मायो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। मदर इंडिया, देखिए फ्रेंड्स आर इसमें मिसिंग है, तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैथरीन मायो बोल सकते हो, कैथरीन मायो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, छत्रपति शिवाजी ने कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था इनके ऊपर कि कौन सा टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना हु वॉन नोबल प्राइज इन, तो कौन ऐसे, देखिए हरगोविंद खुराना को फिजिक्स के लिए इनको नोबल प्राइज तो मिल चुका था पहले, लेकिन उसके बाद जो हुआ था फिजियोलॉजी अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबल प्राइज मिला था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजेंट पासिस थ्रू विच कंट्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ईरान कंट्री से पार जो है ना पास आउट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलिक कॉइन फर्स्ट यूज इन इंडिया, तो कौन सा ऐसा मेटलिक कॉइन है जो कि फर्स्ट यूज इन इंडिया, तो इंडो गैंगेटिक प्लान में फर्स्टली यूज किया गया था, तो ये कौन से रीजन पूछा गया था फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड यहाँ पर देखिए ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन, तो यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट इज मेनली फाउंड इन, तो क्रायोलाइट जो बेसिकली फाउंड होता है ग्रीनलैंड जो कि इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है। अकबर डिडंट बिल्ड द फॉलोइंग फोर्ट, अर्थात अकबर ने कौन सा ऐसा फोर्ट नहीं बनाया था, तो लाहौर फोर्ट जो नहीं बनवाया था उन्होंने, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था कि करेंसी पूछी गई थी किसी की जिससे आपको रिलेट करना था कि चिली की करेंसी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। एंटो पूछा गया था इंट्रेंसिंग का जो कि बेसिक है, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स एन और फॉरेन और एक्सीडेंटल, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो प्राइम मेरिडियन को हम लोग और एक नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ग्रीनविच टाइम, जिसको हम लोग 5:30 पे वो ग्रीनविच टाइम जो है ना डिजायर होता है वो अपियर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग GMT टाइम भी कहते हैं प्राइम मेरिडियन को। रिट्रीटिंग मानसून अकर्स ड्यूरिंग विच मंथ, तो याद रहे फ्रेंड्स ये अक्टूबर मंथ में होता है, और मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कल के एग्जाम में पूछा गया था कि, तो आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये अक्टूबर के महीने में ही मानसून बहुत ज़्यादा तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उड़ीसा क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ फुल मैराथन, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो होती है फुल मैराथन की 42.2 किलोमीटर बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये 42.195 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, सन जिससे जिस मून से रिलेट करता है, स्टार गैलेक्सी से रिलेट करता है, व्हील गैलेक्सी से रिलेट करेगा,
तो इसमें से आपको देखिए सन मून हो गया, स्टार गैलेक्सी हो गया, व्हील गैलेक्सी, मेरे को यहाँ तक लगता है कि ये शायद ये होगा। आपके हिसाब से क्या है? और कुछ बच्चे मुझसे बोले थे सर स्टार गैलेक्सी होगा, ठीक है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड गैलेक्सी, ठीक है। पिलग्रिम टैक्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, कौन सा टैक्स पूछा गया था फ्रेंड्स? पिलग्रिम टैक्स, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट के इस प्रकार से थे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसका कट ऑफ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसका कट ऑफ क्या क्या जाने वाला है, क्या क्या रह सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ऑन करके रखिएगा ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन FCAT 1 2020 से रिलेटेड मिले सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।